ओपल शेप में एक प्लास्टिक का प्लांटर ली हूँ, फिर उसमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रेनेज होल बना चुकी हूँ और उसके ऊपर कुछ ठिकरी डाल चुकी हूँ, देखिए। फिर उसके बाद जो सॉयल मिक्सचर यहाँ पे मैं ली हूँ, वो मेरा रेगुलर सॉयल मिक्सचर नहीं है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया विद प्रतिशा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सॉयल मिक्सचर के बारे में बताऊँ, लेकिन उससे पहले चलिए ये जो मिनी कमनी का प्लांट है उसको उसके रूट पर से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए प्लांटर में लगाते हैं। देखिए, प्लांटर की एक कोने में मैं उसको लगा चुकी हूँ। जब भी आप प्लांट को पल्ली बैग से ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो फिर उसके रूट वर्क को अगर ना डिस्टर्ब करें तो बहुत अच्छे से लग जाता है। उसके बाद मैं ये व्हाइट कलर का बुद्धा जी को यहाँ पे प्लेस कर चुकी हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को ये जो मेरा सॉयल मिक्सचर है उसके बारे में भी बताती हूँ। यहाँ पे आज मैं कोकोपीट ली हूँ। कोकोपीट के साथ थोड़ा सा गार्डन सॉयल, थोड़ा सा सैंड और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ली हूँ। आज यहाँ पे मैं गार्डन सॉयल और सैंड बिल्कुल ना के बराबर है उसका बहुत ही कम इस्तेमाल की हूँ। फिर उसके बाद बुद्धा जी के सामने एक आइसक्रीम का खाली डिब्बा था, उसको काट के एक होल बना के बुद्धा जी के सामने फिर उसको पुश कर चुकी हूँ। मुझे आज ये प्लांटर को थोड़ा सा हल्का बनाना था, इसीलिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल ज़्यादा की हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं वाइट कलर का पेबल्स आर्ट कर रही हूँ। बुद्धा जी वाइट कलर में है और ये जो पेबल्स मैं आर्ट कर रही हूँ वो भी सारे वाइट कलर्स में है। पता नहीं इसका जब फाइनल लुक आएगा तो फिर किस तरह लगेगा। देखिए, मैं बस इस तरह का वाइट कलर का पेबल से भी आर्ट कर रही हूँ। हम लोग तो रेगुलर गार्डनिंग करते रहते हैं, लेकिन मुझे बीच बीच में इस तरह का डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। और मुझे घर के इंटीरियर डेकोरेशन में इस तरह का पीसेस रखना बहुत ही पसंद है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे वाइट कलर में है। तो यहाँ थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं आइसक्रीम डिब्बे के चारों तरफ वो जो मल्टीपल कलर के पेबल्स है उसको यूज़ कर रही हूँ। देखिए, एक के बाद एक मैं यहाँ रख के इसको सजा रही हूँ। मुझे हर कोई चीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर वो काम करने में मज़ा आ जाता है। जब मैं ये बना रही थी तो फिर बिल्कुल मैं बच्ची बन गई थी, मैं एंजॉय कर रही थी। मुझे गार्डनिंग के अलावा घर के इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो फिर मुझे इस तरह का चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही खुशी मिलती है। देखिए, अभी ये बन गया और बुद्धा जी के सामने चारों तरफ भी मैं थोड़ा सा कलरफुल पेबल्स भी आर्ट कर चुकी हूँ। और अभी मुझे थोड़ा सा मिट्टी दिख रहा था तो इसलिए मैं और थोड़ा सा वाइट कलर के पेबल्स भी डाल रही हूँ। देखिए, और फिर मिनी कामनी जो प्लांट था उसके नीचे भी मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज का पत्थर जैसा दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा साइज का पेबल्स भी डाली हूँ। देखिए, घर में इस तरह का डेकोरेटिव पीसेस फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसमें तो प्लांट भी है और प्लांट को लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ पानी डालने का टाइम हो गया, मैं अभी यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। फिर उसके बाद फ्लावर फ्लोट करने के लिए डायंथस का फ्लावर लाई हूँ और फिर एक जोरा फ्लावर भी लाई हूँ। देखिए, मेरे पास बाकी जो फ्लावर्स है वो इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पे फिट नहीं होंगे, तो इसलिए मैं डायंथस और ये एक जोरा का फ्लावर यहाँ पे डाल रही हूँ। यहाँ सदाबहार का फ्लावर भी अच्छा लगता है, क्योंकि बेस जो है वो वाइट कलर में है और सदाबहार का जो कलर है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन आज मेरा कोई भी सदाबहार ब्लूमिंग नहीं हुई, तो फिर मैं डायंथस ली हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, घर में बुद्धा जी रखना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो मन को पर्सनली बहुत ही शांति मिलती है। मैं हमेशा बुद्धा जी के कोई भी मूर्ति हो मैं घर के डेकोरेशन में हमेशा आर्ट करती रहती हूँ। ये जो बुद्धा जी का मूर्ति है ये शायद 15 या 16 ईयर्स बैक का बुद्धा जी का मूर्ति है। मैंने इसको 60 या 70 रुपीज़ में परचेज की थी,
वो तो ग्रे कलर में था, नहीं, शायद वो थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर में था, उसको मैं व्हाइट कलर में पेंट करके यहाँ पे यूज़ की हूँ। देखिए ये मिनी कमनी का प्लांट जो है ना, वो बहुत आराम से आसानी से यहाँ पे ग्रो करेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल बोनसाई का लुक आएगा, और फिर वो प्लांट के नीचे जब बुद्धा जी बैठेंगे तो बैठे हुए हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये मिनी कमनी का प्लांट जितना बड़ा होता रहेगा तो फिर ये जो डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप भी इस तरह का डेकोरेशन करके आपके घर को सुंदर बना सकते हैं, और आपके प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी इस तरह का ट्राई करते रहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।